सुबह चिरमिरी से कटनी जाने वाली ट्रेन में अपने भाई गौतम के साथ सफर करी एक महिला का हैंडबैग चोरी हो गया। बैग में सोने के कई कीमती जेवरात, 3 महंगे मोबाइल और नगद 10,000 रुपए थे। चंदन नावेद वर्मा नामक महिला पेशे से वकील है जो अपने मायके आई हुई थी। शनिवार की सुबह वह अपने ससुराल जाने के लिए ट्रेन में चिरमिरी से शहडोल के लिए निकली, लेकिन पाराडोल और मंदरेगढ़ स्टेशन के बीच उसकी झपकी लग गई, जिसके बाद हैंडबैग चोरी हो गया। ट्रेन में पता करने पर वह नहीं मिला। मनेंद्रगढ़ स्टेशन पहुंचने पर पीड़ित महिला ने रेलवे पुलिस बल को इसकी सूचना दी। आरपीएफ के प्रभारी ने महिला की बात सुनने के बाद उसे रिपोर्ट करने के लिए यहां से 100 किलोमीटर दूर प्रेरा जी आरपीएफ जाने की सलाह दी। पीड़ित महिला 2 दिन बाद 10 जुलाई को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने पति राकेश कुमार के पास सीधी जा रही थी, जिसके चलते बैग में जेवरात ज़्यादा थे। महिला के अनुसार बैग में 20 लाख रुपए का सामान था। इधर आरपीएफ के प्रभारी इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस मार्ग पर इस तरह की यह पहली बड़ी घटना है। मैं चिरमिरी से आ रही थी शटल पे, शहडोल मुझे जाना था। रास्ते पे मनेंद्र पाराडोल तक मैंने जगह था, फिर इसके बाद जैसे पाराडोल नका तो अचानक हल्का सा आँख लग गया, और जैसे आँख लगी मेरे बैग पे बहुत सारा सोना चांदी और मोबाइल 3 थे, पैसा था 10,000 नगद, एटीएम कार्ड थे, तो सब लेके किसी ने उतर गया बैग को। और मैंने तुरंत मनेंद्रगढ़ जैसे ट्रेन रुकी तुरंत मैंने हाथ में देख, मैंने बैग को हाथ पे बांध के रखा हुआ था, पर पता नहीं किसी ने कुछ सुंघा दिया कि किसी ने कुछ छीट दिया, पता नहीं मेरा नींद लग गया, जबकि मैं जगती हुई आ रही थी वहाँ से। जैसे नींद लगा वैसे तुरंत ही मैं उठी मनेंद्रगढ़ में, जैसे आया आँख खुला अचानक से तो मैं देखी कि बैग नहीं है वहाँ पास, तो मैं चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी इधर उधर, तो कहीं पर बैग नहीं मिला। फिर रेलवे आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं वो सब इकट्ठा हो गए, और फिर इसके बाद बहुत प्रयास किए हर जगह खोजने का, लेकिन कहीं नहीं मिला। क्या रेलवे वाले क्या बोले, आप कहाँ सलाह दिए हैं जाने की, क्या बोलने बोले? रेलवे वाले ने गोरेला पेंड्रा में जो सीआरपीएफ वाले हैं उनके पास जाने के लिए, कंप्लेन करवाने के लिए और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा गया है वहाँ पर।